कल केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किया है, राष्ट्रपति की मुहर लगी। हम बात करना चाहेंगे कितना क्या सीएए है, लोगों को कितना फायदा हुआ। बात करें जो ये कानून आया है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को जो 2014 के बाद से आए हैं उनको ना मिल जाएगी। इससे एक अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि भारतीय होने का उनको अवसर मिलेगा और भारत की जनसंख्या मतलब कितनी है एक निश्चितता उसको प्रदान की जाएगी। नहीं तो अभी तक क्या है कि ऐसे माइग्रेटेड लोग आ गए हैं लेकिन उनका कहीं नामो निशान है नहीं। दिल्ली में आप देख लीजिए, जो बॉर्डर है बांग्लादेश का उस उन प्रदेशों में देख लीजिए, तो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है लेकिन हमारे देश में वो पूरा खाना पीना रहन सहन उनका है। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मोदी सरकार कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको मानते हैं? ये देखिए एक अच्छा कानून है, हम इसका इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से इस तरह के कानून से देश में एक जो डिग्निटी मिलेगी कि नहीं भारत देश के ये नागरिक हैं तो इनकी नागरिकता है, इस चीज के एक जो भी आदमी गैर मुस्लिम आए हैं यहाँ उनको एक पहचान मिलेगी कि वो भारतीय हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है किसी कानून को लेकर, 2019 में दिल्ली में हंगामा हुआ था, विरोध हुआ, तोड़फोड़ हुआ था, तो कैसे इसको देखते हैं, राजनीतिक समीकरण इसका क्या है? देखिए पक्ष विपक्ष ये बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ये तो राष्ट्र की अखंडता और एकता की बात है और लोग उसको चूंकि चुनावी तौर पर इसलिए देखना चाहते हैं कि वो पूरे भारतवर्ष को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं, ये गलत है। बात यहाँ कानून की किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है बल्कि हमारे देश में कितने लोग हैं वो लिस्टेड होने चाहिए और ये आवश्यक था और मैं सराहना करता हूँ। 2019 के घोषणा पत्र में सीए लागू करने का घोषणा पत्र में था, 2019 में नहीं हुआ लेकिन 24 में इसको लागू किया है, तो उसको कैसे देखते हैं? अब ये तो जरूर है कि चुनावी समय है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो सरकार इसको अपनी उपलब्धि बनाने में भाई जरूर प्रयास करेगा क्योंकि 19 में कहा था और 5 साल लग गए लेकिन अंत भला तो सब भला और भाई कोई भी आदमी कोई काम करना चाहता है उसको भुनाने का प्रयास करता है, तो सरकार भी इसको पूरा भुनाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए ऐन वक्त पर इसको लागू करी है। सीए कितना भाजपा के लिए कारगर रहेगा और कितना नुकसान रहेगा? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा लेकिन देश हित में ये कानून। ममता बनर्जी का कल एक बयान आया कि हम अपने देश में सीए नहीं लागू होने देंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी जी हमेशा इस तरह की बात बयान देती रहती हैं लेकिन हमें लगता है कि सबसे ज्यादा बंगाल में ही इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा बंगाल में है क्योंकि हम लोग कभी वहां घूमने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां किसी माध्यम से बांग्लादेशी चाहे जब आते हैं जाते हैं नाव के जहाज के माध्यम से तो उनकी कोई गिनती हमारे देश में होती नहीं है और तमाम तरह के वो मतलब दुष्प्रभाव हमारे देश पर वो देते हैं। आपका कहना है कि ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को पॉलिटिकल होगा क्योंकि बाहर से आते हैं, ये कहना चाहते हैं? ये देखिए वो अपने हिसाब से अपना फायदा सोच रही हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो मुस्लिम मतदाता हमारे पास चले आएंगे लेकिन वास्तव में उनको देश के बारे में सोचना चाहिए, भारतवर्ष के बारे में सोचना चाहिए। हम और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी कैसे देखते हैं सीए? सीए हमारे समझ से तो ये देश में पहले लागू, किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं है, अलबत्ता जो अपने देश में आना चाहते हैं वो भी एक गैर मुस्लिम, आप सोच सकते हैं कि अगर हिंदुओं के लिए पूरे विश्व में कोई देश है तो वो भारत है, जैन धर्म का उद्भव भी भारत में, तो जैन के जो हमारे लोग हैं वो भी भारत से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म के लोग जो भी हैं वो भी हमारे भारत के ही उद्भव है, वो धर्म का उद्भव हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड में कोई तो एक ऐसा देश होना चाहिए, तो ये भारत देश है उनके लिए। अगर यहूदी कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में उनको इसराइल की नागरिकता मिलती है, तो इसी तरह हिंदू और बौद्ध और सिख ये जो चूंकि भारत में उद्भव धर्म है तो हमारे इनके लिए अगर सरकार ने ऐसा कोई कानून लाया तो सारे स्वागत करते हैं और ये एक आप कह सकते हैं कि ये चुनावी दृष्टिकोण से भी इनके लिए एक फायदेमंद। विपक्ष चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं सीए को, कहीं बीजेपी को इसका फायदा ना मिल जाए? ये हम तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ट्रैक पे जाकर खेलने का प्रयास है ये ममता बनर्जी या विपक्ष का, क्योंकि ऑलरेडी जब देश की जनता आप देखते हैं कहीं आप हम जिस शहर में कहां कोई विरोध है,
सब लोग स्वीकार कर रहे हैं और ममता बनर्जी का जो तुष्टिकरण का राजनीति है ये उनके लिए घातक होगा, जनता जान रही है। और ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी समझ चुके हैं कि ये कानून किसी को अपने देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है। अलबत्ता जो हमारे देश में रह रहे हैं और वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो भारत सरकार उनको नागरिकता दे रही है, इसमें आपत्ति क्या है? और वो हमारे अपने विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने भाई हैं, अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक चाचा जी से बात करेंगे कि इनका कहना है कि सीए जोड़ने का कानून है, तोड़ने का नहीं, इस पर क्या कहें? जी ये तो खैर बात सही कानून है कि ये बहुत अच्छा कानून है और ये हमारी सरकार जो ला रही है बहुत अच्छा काम है ये, और इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है, और ये तो हमारे हित की बात है और हमारे देश में अच्छा ही कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे देश की इतनी वाहवाही हो रही है कि पूरा वर्ल्ड हमारा जान रहा है कि हमारा इंडिया क्या है। आज हमारे उस मौके पर, उस मोड़ पर पहुंच गया इंडिया कि जो कोई नहीं जानता था, यही सरहद पर आके भारत के भारतीय से सैनिकों का सरकार के लिए चले जाते थे, यहाँ की सरकार प्रधानमंत्री को खामोश रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री पर गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनके घर में घर स्ट्राइक करके अपने अपने सैनिक को लेके आते हैं वापस, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं ये बगैर इनकी सहमति से कोई देश कोई काम नहीं करता है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया हुआ है जो हम लोग इनका फुल समर्थन करते हैं, हम माइनॉरिटी से हैं। क्या नाम है? मैं सैयद शमशेर हुसैन। ये बताइए 2019 में जो दिल्ली में लोग विरोध किए सीए का, जो भाजपा के घोषणा पत्र में था कि सीए कानून हम लागू करेंगे, तो कैसे देखते हैं और कितना फायदा होगा देश को? देखिए सीए कानून जो है बहुत अच्छा कानून है और ये इसमें सभी को समर्थन करना चाहिए और इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सबके हित की बात है, और ये जो पॉलिटिकल जो विपक्ष वाले लोग हैं इस तरह से अफवाह उड़ा के जो है इस तरह से पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है क्योंकि इससे पहले 270 भी लागू हुआ कानून, देखिए कितने आसान से 370 जो कानून लागू हुआ सर, उसमें भी देखिए कश्मीर में आज आज़ादी से लोग लड़ रहे हैं, वहाँ ना कोई पत्थरबाजी ना ईंटबाजी हो रही है, और ये भी कानून बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई गलत बात नहीं है सर, इसमें बहुत अच्छा कानून है। नहीं तो मतलब आप मोदी सरकार का जो कल ये फैसला लाया गया है उसको उसका आप समर्थन करते हैं? जी सर, हमारे पूरे जितने माइनॉरिटी के लोग हैं सभी लोग समर्थन करते हैं, और हम विपक्ष तो कह रहा मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष की तो आदत है सर, वो तो विपक्ष में रहेंगे तो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे ना, आए वो तो किसी को भी बदनाम करेंगे। अरे ममता दीदी हैं पश्चिम बंगाल, वो विरोध कर रही है कि हम अपने प्रदेश में इसको लागू, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ममता दीदी की जो अहंकार है ये उनका एक घमंड है, एक उनका गुरूर है, वो उनका गुरूर घमंड चलने वाला नहीं है, और वो सिर्फ वहीं की उनकी तुष्टिकरण है और यहाँ पर उनके चलने वाले वो देश में नहीं चलने वाला। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि क्या उनका सीए को लेकर पक्ष है। क्या नाम है आपका? श्यामिनी सिंह। ये बताइए क्या सीए को लेकर आपका पक्ष है? सर पक्ष यही है कि अगर हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, सबको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और सबको उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा और भाईचारा को भी लेके आएगा, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है आपसी भाईचारा। नहीं ये कानून भाजपा के घोषणा पत्र में था 19 में, वो कल लागू हुआ है, दो तीन तीन दिन में आचार संहिता लगना, तो कैसे इसको देखते हैं, कितना फायदा देश को होगा और भाजपा को? सर फायदा तो जब लागू होने के बाद अब आप लोग को सामने दिखेगा ही, फायदे नुकसान की बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि हम लोग सकारात्मक रूप में लेते हैं नकारात्मक रूप में लेते हैं, बात यहाँ ये है। फायदा नुकसान तो लागू होने के बाद वो तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग किस सोच से उसको लेके आगे बढ़ते हैं। जब 2019 में कानून लाया गया तो बड़ा विरोध हुआ दिल्ली में, बड़ा तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई, तो अब इसको लागू किया गया है तो क्या अब शांति रहेगी? शांति व्यवस्था के लिए सरकार प्रयासरत रही है और इसको मिलके हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हम ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो भाईचारे को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम के पक्षपात को लेके बीच में आते हैं और हमारे देश में विद्रोह का कारण बनते हैं, तो हम लोगों को ये सब नहीं करना है और सभी अपने धर्म कोई भी हो उनका हमको बढ़ावा देना है, उनकी सहमति से उनका जो है स्वागत करना है, कोई किसी धर्म का हो अगर हमारे देश में आया है हमारे साथ आया है तो अपने भाईचारे को हम लोगों को साथ में लेके रहना है और देश की तरक्की के लिए अग्रसर होना है, ना कि विपक्ष की किसी भी काम के लिए। आप मोदी सरकार का गृह मंत्रालय जो फैसला है उसका समर्थन करते हैं?
सर समर्थन बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा। अगर देश में कोई भी आपके सामने प्रस्ताव या संविधान या कुछ लोग बनाते हैं नियम, तो आपके अच्छे के लिए बनाते हैं, जिससे आपका देश अच्छे से चले और सशक्तिकरण महिलाओं का बढ़े। हम तो यही चाहेंगे, सरकार कोई भी हो लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़े और महिलाओं का। महिला तो विरोध भी कर रही है, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो तो विरोध कर रही है। सर विरोध भी बोले तो आपसे पहले ही, सकारात्मक लेते हैं हम लोग कि नकारात्मक लेते हैं, ये तो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अगर कोई भी योजना आती है तो वो हमेशा देश के भले के लिए आती है और विकास के लिए आती है। और कुछ महिलाएं हैं, सीए को लेकर आपका क्या ओपिनियन? आप बोलें क्या बोले, क्या ओपिनियन? सर डॉक्टर वंदना सरकार, हाँ ये जो आया है नियम, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और भाई हमारे महिला हो या पुरुष हैं, जो भी हो, और अगर नियम लागू हो जाएगा तो हम सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मोदी सरकार के फैसलों का आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरा समर्थन। हाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे सीए? सर मैं विभा सिंह, प्राथमिक विद्यालय मड़ियाव जीती, जौनपुर की निवासी हूँ। और ये जो सीए नियम आया है, हमारे समझ से तो बहुत ही अच्छा है। जो हमारे यहाँ अनलीगल रह रहे थे, कम से कम हम उन्हें अधिकार दे के रख रहे हैं, और हम मोदी जी का पूर्ण समर्थन करते हैं। मतलब आप मोदी जी के फैसले का स्वागत करते हैं बहुत। कुछ और महिला, क्या नाम चाची? दुर्गा मौर्य। दुर्गा जी बताइए, मौर्य जी की सीए कानून को आप कैसे देखते? सीए तो हमारा मूल अधिकार है, हमको नागरिकता मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम अपने, हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारे अपने नागरिकता का हम लोग समर्थन करते हैं। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नारी शक्ति पर जितना उन्होंने 2014 के बाद जितना नियम लागू किए, काश कोई सरकार होती कि नियम लागू करता। महिलाओं का आरक्षण भी तो मोदी सरकार ने दिया है, 33% आरक्षण हमारा है। पहले था लेकिन उतना मजबूती से नहीं था, लेकिन आज जो मजबूती महिलाओं को मिल रही है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये बताइए कि सीए कानून को आप कैसे देखते हैं और कितना कारगर देश के लिए रहेगा? सबसे पहले तो जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनकी नागरिकता नहीं है, उनको नागरिकता मिलने से बहुत बड़ा उनके अंदर विश्वास की भावना होगी, और हमारे देश के लिए और उस नागरिक के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, जो 2014 के बाद से गैर मुस्लिम हैं, जो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से आए, उनको नागरिकता मिलेगी, कितना देश के लिए फायदा होगा? देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। हमारे हिंदू भाई जो भी आए हुए हैं, उनको नागरिकता नहीं बने तो वो देश में हमारे अविश्वास की भावना बहुत ज्यादा है। तो जितने हिंदू भाई हैं, उनको नागरिकता मिलने से उनके अंदर, हिंदू भाई नहीं गैर मुस्लिम, चाहे जो 2014 के पहले जो भी आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिलने से सबसे पहले हमारे देश में रहे, उनको अंदर बहुत ही विश्वास की भावना जागेगी और देश के लिए अच्छा है। मतलब इस फैसले का, जो गृह मंत्रालय का फैसला, इसका आप समर्थन करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक, हम और लोगों से बात करेंगे, कैसे देखते हैं सीए को? देखिए मैं इसके राजनीतिक पक्ष से पहले संवैधानिक पक्ष के बारे में जाऊंगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पे जब हम जाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे, वहाँ चार क्लॉज है कि हाउ टू गेट ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो उसमें इस तरह के मैंडेट नहीं किए गए हैं कि जो हमारे यहाँ अप्रवासी भारतीय आए हैं, जो माइग्रेट आए हैं, जो अनऑथराइज तरीके से आए हैं, तो 2019 सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 आया, उसमें ये है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो भी अनऑथराइज हैं भारतीय, उनको हम भारतीय नागरिकता देंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि कोई चीज़ आने के पहले ही उसको एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की वजह से मिसइंटरप्रिटेट कर दिया गया। हम उस क्लाज को समझे उसके पहले ही उसको एक हमारे मास में ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड द जेन्यून मुस्लिम हैज मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडिया, बट इज नॉट ट्रू दैट वी आर गिविंग द मैंडेट वैलिड सिटीजनशिप टू द अनऑथराइज इंडियन हु हैव बीन लिविंग हियर, वेदर इट इज सिंधी, इट इज फ्रॉम मलेशिया। बोले थे हमारे समर्थकों को, मेरे ख्याल है कि उनको एक वैधिक नागरिकता देने के लिए 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। उसका पक्ष यही है कि जब एक भारत देश में कोई आएगा और उसको नागरिकता स्वीकृत रूप से मिलेगी, तभी वो देश के विकास में भी योगदान कर सकेगा, खुद भी सुरक्षित महसूस करेगा, और दोनों पक्ष उसके। तो सरकार का यही है कि हम यहाँ पर जो गैर नियोजित, जैसे कहते हैं ना संगठित असंगठित, तो अपनी जनसंख्या को हम इस तरह से संगठित करेंगे कि वो हमारे चार्टर में आए और उनको नागरिकता मिले, वो देश को अपना समझे और वो देश के विकास में अपना योगदान करे। तो सीधी सीधी बात है कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में ही ये क्लास एक बढ़ाया गया और कुछ नहीं है। एनआरआई के लिए अलग क्लास था,
नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए अलग क्लास था, जो भारतीय बाहर शादी करते थे उनके लिए अलग क्लास था, जो औरतें यहाँ पर शादी करते थे उसमें एक क्लास 2019 में केवल पढ़ाया गया और कुछ नहीं। इसका क्लास का यही मतलब है, सीधा सीधा मतलब है। अब जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें जो भी भाजपा के घोषणा पत्र में 2019 में लाया गया था, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि गलत हुआ। देखिए मैं कोई कहना चाह रहा हूँ कि ये मिस इंटरप्रिटेट किया गया। कोई भी तर्क पहले देने के पहले सोचना चाहिए कि वो कानून है क्या। 2019 में जब ये कानून आया तो उसका सीधा मतलब था कि भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम, मुस्लिमों की बात इसलिए नहीं हो रही है कि मुस्लिम के लिए हमारे यहाँ 1947 में जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जब उस समय बढ़ा तो मुस्लिम का अलग से क्लास है, वो यहाँ के माने गया। मुस्लिमों के अलावा जो जिनको अधिकार जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं, जैसे ईसाई हुए, जो सिख हुए, पारसी हुए, ईरान से जो आए हैं, उनको उस तरह का अधिकार देना, एक भारतीय नागरिक के समान अधिकार देना, ये सरकार के लिए एक नैतिक मौलिक कर्तव्य था। और सरकार ने इस बार वो अमेंडमेंट 2019 में करके और कल इसको लागू करके वास्तव में उनको अधिकार दिया है, जिससे वो भारत के एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करें और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विकास में इकाई के रूप में अपना योगदान दें। ये मेरे ख्याल से बहुत ही वैधानिक और उत्पादक निर्णय है जिसका भारत को दीर्घकालिक फायदा होने वाला है। आपका कहना है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी हमारे जो पाकिस्तान में भी बहुत अल्पसंख्यक नहीं, आपका कहना है कि जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान दे दिया गया, जो गैर मुस्लिम है उनको, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का आप ही गलत है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मुस्लिमों को अधिकार पहले से ही प्राप्त है और मुस्लिमों को इस नागरिक संहिता अधिनियम 2019 में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया गया है, वो इंटैक्ट है। वो 1955 के नागरिकता अधिनियम बनाया गया गैर मुस्लिमों के लिए है। जी, गैर मुस्लिमों के लिए है। मुस्लिम समुदाय इसलिए नाराज नहीं, मुस्लिम समुदाय का बराबर का अधिकार है, मुस्लिम समुदाय को वो अधिकार दिए गए हैं। और अभी देखिएगा 2014 में बांग्लादेश सीमा विवाद में आप देखे होंगे कि स्थलीय अवरुद्ध देश जो हमारा बांग्लादेश सीमा पे आता है उसमें 14-15 ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कई गांव भारत में थे, म्यांमार बांग्लादेश में, तो उसको नियोजित किया गया। मतलब वो उनके टेरिटरी में है लेकिन उसको इंडिया का माना गया और इंडिया टेरिटरी में जो बांग्लादेश को बांग्लादेश का माना गया। तो कुछ चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे सुधर रही, लेकिन ये कतई इसका मतलब नहीं कि मुस्लिमों के अंदर गलत भाव डाला गया है। मुस्लिमों के लिए नागरिक संहिता 1955 में अधिकार दिए गए थे, उस समय ये पूरा था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें सभी धर्मों का अधिकार, ये अधिकार दिया गया केवल गैर मुस्लिम जो वास्तव में अल्पसंख्यक है उनके लिए जाएगा। और मुस्लिमों को इसमें किसी भी तरीके का कोई भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी उनको क्यों पेट दर्द, देखिए वो एक वोट बैंक की राजनीति है। हमारे यहाँ कोई चीज समझने के पहले ही उसको गलत तरीके से प्रसारित कर दिया जाता है। देखिए हर आदमी यहाँ राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है, पर एक एक सामान्य नागरिक के तौर पर अगर आप संविधान की जानकारी रखते हैं और उस चीज को आप देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीके से मुस्लिमों के अधिकारों की अवहेलना की ही नहीं गई है। जो उनको अधिकार है वो अभी भी संरक्षित हैं, आगे भी संरक्षित रहेंगे, पोषित हैं, किसी भी तरीके कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ ये है कि मुस्लिमों के अलावा जो लोग आए हैं उनको अपने देश में, जो निर्वासित जीवन जी रहे थे उनको अपने देश में एक मानक और एक वैधिक उनको नागरिकता प्रदान की जाए, ताकि वो भी मुस्लिमों की तरह ही, हिंदुओं की तरह ही, वो भी अपने आप को देश का माने। और उनको धन्यवाद। कुछ और लोग हम बात करेंगे, कैसे देखते हैं, क्या नाम है? लक्ष्मीकांत सिंह मेरा नाम। लक्ष्मीकांत जी, मुझे कैसे देखते हैं सीए को, जो 2019 में लागू होना था, बड़ा विरोध देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि 1947 हमारा देश थी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सब एक ही था और एक बिना किसी से पूछे, ऐसे लोगों से बिना पूछे देश का बंटवारा एक धार्मिक आधार पर कर दिया गया, जिसमें लग रहा था कि दो तीन दिशाएं खींच दी गई, एक माने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत पे, पाकिस्तान और भारत को बांट दिया गया और बिना ये पूछे वहाँ के अल्पसंख्यकों से या वहाँ के लोगों से बिना पूछे ही बांट दिया गया कि हाँ भाई आप किधर जाएंगे या किधर नहीं जाएंगे। बड़े लोग तो जो संपन्न थे इधर से भी उधर चले गए और उधर से भी इधर चले आए, लेकिन दुर्भाग्य से जो वहाँ रह गए उनके साथ धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ना हुई, धार्मिक आधार पर उनकी जो प्रताड़ना हुई उसको देखते हुए वो पलायन करने पे मजबूर हुए। और जब उन्होंने पलायन किया तो यहाँ शरणार्थी के रूप में रहे और अपने ही देश में, भाई 1947 के पहले पाकिस्तान का रहने वाला या बांग्लादेश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का वासी था, उसके बाद देश का जब बंटवारा हुआ तब वो अलग हुए हैं, उसको देखते हुए वो अपने देश में भाग के आए कि हमको यहाँ सुरक्षा मिलेगी। और यहाँ तो सुरक्षा के नाम पे वोट बैंक की राजनीति कह लीजिए या किसी कारण से कह लीजिए, उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली और उनको एक लंबे जीवन तक शरणार्थी जीवन बिताना पड़ा। भाग के आए वो लगातार उनको शरणार्थी की तरह रहना पड़ा, उनको वीजा बढ़वाना पड़ा। इसलिए इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया पहल किया कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आके शरणार्थी के रूप में बस गए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं।
किसी की नागरिकता छीनने का या किसी की नागरिकता खत्म करने का कोई प्राविधान इस सीए में नहीं है, केवल नागरिकता। फिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? चूंकि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है राजनीति को, आज के डेट में राजनीति बदल गई है, लेकिन विपक्ष ये समझ रहा है कि हम उसी पुराने धरने पे जात और संप्रदाय के नाम पे राजनीति करेंगे, वोटों का ध्रुवीकरण कराएंगे, और इसीलिए गलत कामों पे। मुसलमानों के भी विपक्ष नहीं है मेरे हिसाब से, वो किसी भी अच्छे मुसलमान के अच्छे कामों को नहीं दिखाता, वो कट्टरता दिखाता और ऐसा व्यवहार करता है। भाई सीए का विरोध करके यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कुछ लोगों ने ऐसा दिखाया कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान से मिला हुआ है, जैसे लगा कि पाकिस्तान का मुसलमान नहीं आएगा तो भारत के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत का है, पूरी तरह भारत का है, और वो जितना हमारा एक हिंदू का या एक ईसाई का एक सिख का हक है, उतना ही भारत के भारतीय मुसलमानों का भी हक है। लेकिन धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित किए गए, चूंकि धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी नागरिक को, मुसलमान नागरिक को नहीं प्रताड़ित किया गया होगा, इसलिए धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना चाह के भाग के आए अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपने देश में आए, ये समझ के कि ये 1947 के पहले बड़ी बात कही कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जो उनका वहाँ प्रताड़ना नहीं होती है, जो गैर मुस्लिम है उनको वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल होता है, ये हर जगह वो है कि गैर मुस्लिमों को वहाँ प्रताड़ित किया गया, तभी तो भाग के आए। अगर हमको हमारे उसमें हमारे यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं भाग के कहीं जाता, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिली, समान अधिकार, समान अधिकार है। भारतीय मुसलमान भारतीय माना जाता है, भारत का प्रत्येक नागरिक उसकी तरह ही है जिससे भारतीय मुसलमान है, तो देखते हुए यहाँ का मुसलमान क्यों नहीं पलायन कर रहा है? तो अगर यहाँ पे होता कि धार्मिक आधार पे, तो यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, उनको पलायन करना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पे उनका पलायन हुआ, उनका प्रताड़ना हुई, उनका धर्म जबरन परिवर्तन कराया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, जिससे वो आज जाके यहाँ भाग के आए हैं, और वे समझ के आए हैं कि ये देश मेरा है, भारत इनका देश है, क्योंकि 1947 पहले उनका भी भारत में उतना ही हक था जितना मेरा। तो अगर वो अपने देश में भाग के आए तो उनकी उनकी संरक्षा, उनकी रक्षा संरक्षा और उनको अधिकार देने का काम भारत सरकार ने किया है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा काबिलकारी। मतलब मोदी सरकार फैसले से खुश है? पूरी तरह खुश है, पूरी तरह खुश है। एक जर्नलिस्ट है हमारे साथ, कमर हसनैन दीपू जी, जो राजनीति पक्षी पकड़ रखते हैं, सीए पक्षी पकड़ रखते हैं, इनसे कुछ विश्लेषण करेंगे कि क्या कहेंगे इस पर। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून जो है, इसको लेकर के तमाम भ्रांतियाँ फैली, और आपको याद है कि कोविड से पहले काफ़ी धरना प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। आपको याद है कि शाहीन बाग हो, चाहे लखनऊ का छोटा मामबाड़ा हो, तमाम जगह लोग जो है, खासतौर पे माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और धरना प्रदर्शन में विपक्ष जो है वो एक तरीके से इस पर राजनीति कर रहा था। लेकिन जब संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात क्लियर किया कि ये कानून जो है केवल नागरिकता देने के लिए, किसी की लेने के लिए नहीं है, तो स्टैंड क्लियर हो गया। जहाँ तक आपने बात की इसकी, तो ये सही है कि जो बहुत से हमारे हिंदू भाई थे बंटवारे के बाद अन्य देशों में गए, तो वहाँ उनको उनको उनकी संस्कृति नहीं मिली, उनको विरासत नहीं मिली। अगर वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते तो इसमें बुरा क्या है? हर आदमी चाहता अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने धर्म के साथ जिए। अगर ये हिंदुस्तान में मंदिर है, यहाँ महादेव हैं, यहाँ मथुरा है, यहाँ भगवान श्री राम है, तो हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य की देव पूजा करे, सेवा करे। तो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कानून के तहत उनको नागरिकता मिल जा रही है, तो नागरिकता अगर मिल जा रही है तो कौन बुरा है? तो इसको लेके विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितना सार्थक कदम उठा रहे। और जब ये अभी अधिसूचना जारी हुई है तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है। हालांकि विपक्ष भ्रांतियाँ फैलाएगा, लेकिन हम ये किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, जो सही है उसको बोलना चाहिए। इस कानून के तहत उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो वास्तव में इस देश में आना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे किसी भी देश के हों, अगर यहाँ आ रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। अभी लक्ष्मी जी एक बात कह रहे थे, जो धर्म के आधार पर बंटवारा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तान, तो जहाँ उनको मुस्लिम, जो हम मुस्लिम समुदाय है, उनको वहाँ कोई प्रताड़ित नहीं करता, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उनको प्रताड़ना मिलती है, वो अपने देश में आना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये नहीं है, प्रताड़ना होती है। आप देखिए, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है? ईरान आपने देखा, इराक देखा, अफगानिस्तान देखा, पाकिस्तान में रोज़ बम फट रहे हैं, तो प्रताड़ित ये भी है ना, कहीं ना कहीं हो रहा है। बात इसकी नहीं है, प्रताड़ित तो हर जहाँ आतंकवाद होगा उसका कंडम करना चाहिए, लेकिन जब अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने आराध्य देव देवता से मिलने के लिए जब उनका यहाँ जन्म स्थान है, उनकी आस्था है, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते अपने परिवार के साथ, तो बुरा क्या है? इसका स्वागत करना चाहिए, सारे मुस्लिम भाइयों को स्वागत करें, क्योंकि उनकी नागरिकता नहीं जा रही है,
ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है वोटों की राजनीति के चलते, ये सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति बाहर चला गया, किसी कारण बंटवारे में नहीं चला गया, अगर वापस वो हमारा हिंदू भाई यहाँ आना चाहता है, सिख आना चाहता है, आप देखिए पाकिस्तान में वहाँ पर कितने जो है तो गुरुद्वारे हैं, लोग जाते हैं। अगर वो हिंदुस्तान आना चाहिए, कोई देश कोई छोड़ के कोई क्यों आता, कोई अपना घर क्यों छोड़ गया था जब यहाँ प्रताड़ित। मैंने आपसे क्या कहा, उनकी विरासत, उनकी संस्कृति, उनका धरोहर सब यही है, तो हर आदमी उसमें जीना चाहता है, उसमें बस हर आदमी अपने मूल पर आना चाहता है। यहाँ त्योहार जो है पर्व उत्सव मनाया जाता है, होली का उत्सव, दिवाली का उत्सव, ईद का उत्सव, तो ये उत्सव मनाया, और गम का भी लोग करते हैं, तो गम में भी लोग शामिल होते हैं, खुशी में भी शामिल होते, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो विरासत है, इसीलिए तो भारत महान है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। नहीं, जैसे मोदी सरकार 2019 के घोषणा पत्र में था उस समय इसको लागू करने में काफी विरोध झेलना पड़ा, इस बार जबकि यूपी के 14 जनपदों में संवेदनशील बनाया गया, वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार 2014 में आई तो विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि मोदी जी एक के बाद एक स्ट्राइक करते जा रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो एक के बाद एक मोदी जी भी ये जान गए कि अपने विपक्ष को कैसे करना है, तो एक के बारे के मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, तो विपक्ष पर जब मुद्दा नहीं तो क्या करेगी, भ्रमित करेगी। अशिक्षित जो लोग हैं जिनको पता नहीं, वो कह रहे सीए आ गया तो हर नागरिकता चली जाए, तो वह निकाल दिया जाए भारत से, गलत है। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये भ्रम जो फैला रहे विपक्ष के लोग, उनको डरना चाहिए, उनको इससे डरना चाहिए कि भ्रांतियां ना फैलाएं। सच्चाई जो है, जब संसद में बोल दिया गृहमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका ये होती है कि जो सही हो उसका स्वागत करना चाहिए, अगर गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। ये थी जौनपुर की जनता जो कह रही थी, ये सीए कानून धर्म जो लोगों को जोड़ने का कानून है, तोड़ने का नहीं। बात करें गैर मुस्लिमों की, तो लोगों का लोगों का यहाँ कहना था कि धर्म के अनुसार जो बंटवारे हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो।